नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के पिता चंद्र नारायण प्रसाद का आज सुबह पटना एम्स में निधन हो गया। उनकी आयु करीब 80 वर्ष से अधिक की थी। उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था और अंततः उन्होंने इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 6 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव गुर्दा मधेपुरा में किया जाएगा। इस दुखद घटना के बाद से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। पप्पू यादव ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने अपने पिता के निधन के बारे में पोस्ट डाला। पिता के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए पप्पू यादव ने लिखा, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे सृजनकर्ता, आदर्श, मेरे विचार केंद्र, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरी शक्ति के उत्स पिताजी नहीं रहे। पापा, आपके बिना मैं कुछ नहीं। पप्पू यादव के साथ उनकी मां शांति प्रिया, उनकी पत्नी राज्य सभा सांसद रंजीत रंज, पुत्र सार्थक रंजन, पुत्री प्रकृति रंजन, बहन डॉक्टर अनीता रंजन, उनके पति डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव और अन्य पारिवारिक सदस्य इस मुश्किल घड़ी में पटना एम्स में मौजूद थे। पिता के निधन से पप्पू यादव बहुत दुखी हैं। उनके अपने पिता से काफी लगाव था। पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण प्रसाद अपने पीछे एक पुत्र, एक पुत्री, एक पोता, एक पोती, दामाद, 3 नातिन और 1 नाती छोड़ गए हैं। उनका निधन परिवार और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। परिवार समर्थक और शुभचिंतक इस दुखद घड़ी में पप्पू यादव और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। पप्पू यादव के रिश्तेदार, करीबी मित्र और उनके समर्थक आवास पर पहुंचकर शोक जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के पिता चंद्रनारायण यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज कराया जा रहा था। पहले उन्हें पूर्णिया के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। बाद में 9 सितंबर को डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब जिस तरीके से पप्पू यादव इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।